फ्रेंड्स, 5:12 हो गए। हमेशा की तरह मेरी नींद खुल गई है। अभी बैक टू मुंबई। अमेजिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि तो ये एंट्री है। यहाँ से एंट्री करने के बाद ये रूम है, वहाँ पे सारा सामान है हमारा बिखरा हुआ। ऐसे ही होता है। शूज़ यहाँ पे दादा लेटा है। सो ये है टॉयलेट। यहाँ पे शॉवर। यहाँ पे हम चलो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आने का जो पर्पस था वो तो पूरा हो गई। यहाँ बाथरूम की बात कर रहा हूँ, चलो भाई। यहाँ पे आने का जो पर्पस था वो तो पूरा हो ही गया। अब देखते आने वाले अभी देखते हैं, अभी दादा उठेगा फिर हम लोग फ्रेश हो जाएंगे। और हम लोग का प्लान ऐसा है कि सुबह 7:30 के आसपास हमें मानगांव छोड़ना है और मुंबई के लिए वापस निकलना है। जब हम लोग मुंबई से मानगांव के लिए आए थे तो जैसे गूगल मैप पे क्या दिखाता है कि 133 किलोमीटर और 3 घंटे, अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एक्चुअल में हम लोग आते हैं तब वो हो जाते हैं 4.5 घंटे। बीच में आधा घंटा हम लोग सिर्फ रुके रहेंगे, लेकिन फिर भी यार स्लो ही जाता है ना इंसान। फास्ट मतलब कितना जाता है, 4.5 घंटे लगे भाई साहब, 4.5। हाँ लेकिन थकावट नहीं हुई क्योंकि थंडरबर्ड है तो थकावट नहीं हुई मुझे। रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड है और 500 cc है तो इतनी थकावट नहीं हुई मुझे डेफिनेटली। लेकिन आने के बाद मेरे में आँखें ऐसे जल रही थी, मतलब इतना धूल मिट्टी सब उड़ रहा था फेस के ऊपर, तो आँखें ना ऐसे हो गई थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आजू बाजू में कौन है। मुझे सिर्फ रास्ता मुझे याद आ रहा था कि रास्ते पे ध्यान दो, रास्ते पे ध्यान दो, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही थी। तो जब आया मैं रूम में और नहाया, कुछ खाया, आधा एक घंटा सोया रहूँगा, तभी मेरी आँखें और मेरा दिमाग थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। तो ऐसे होता है, अलग एक्सपीरियंस था। देखो मैं ज़िंदगी में पहली बार मुंबई के बाहर तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन इतना दूर मेरे लिए 133 किलोमीटर दूरी है, बराबर है। और दूसरी बात यह है कि ये मैं पहली बार मानगांव आया हूँ और जो एक्सपीरियंस था ये जर्नी का वो कुछ अलग ही था। मज़ा आता है, मतलब कुछ चीज़ें मुझे टूरिंग में समझ में आ गई कि बुलेट के साथ मुझे क्या करना चाहिए। मैंने जो ये लगाया था क्या बोलते लाइट्स बहुत अच्छे से जल रहे हैं, जो फॉग लैंप लगाए वो तो बहुत अच्छे से जल रहे हैं, लेकिन जो क्या बोलते उसको जो चार्जर मैंने लगाया वो चालू ही नहीं हो रहा है। वो तो ऐसा होता है, तो मेरी वो शायद वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, वो चार्जर चालू रहेगा या क्या पता, अभी देखते हैं, मुंबई जाके ही देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि सेफ्टी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ट्रैकिंग जो राइडिंग पैंट रहता है वो पहनना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे समझ में आ गया है। मुझे एक पत्थर आके मेरे शीन पे लगा था, लेकिन छोटू सा पत्थर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। वही बड़ा होगा तो शायद से कुछ प्रॉब्लम दे सकता था, लेकिन जो से आके मेरे शीन को लगा ज़रूर, मुझे वो फील हुआ। अभी वो फील हुआ, मैंने जींस डाला है फिर भी मुझे वो फील हुआ, इसका मतलब वो फोर्स के साथ ही आया रहेगा, लेकिन छोटा सा होने की वजह से मैं सिर्फ वो फील करके गया कि ये समझा।
लेकिन ये वही पत्थर अगर बड़ा हो तो फिर तकलीफ हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं सोचूंगा या फिर सोचूंगा कि मैं ले ही लूँगा राइडिंग बूट्स और राइडिंग पैंट, ये मेरे भी दो सबसे ज़रूरी प्रायोरिटी रहेगी मुंबई जाने के बाद। और एक एक्शन कैमरा ज़रूरी है, ज़रूरी है, ले लेता हूँ। चलो ठीक है, तो मिलते हैं आगे के सफ़र में। सफ़र शुरू। वापस प्रेशर आया, मैं जाके आता हूँ। दादा उठ, आठ बज ले, आठ बज ले, आठ गुड गुड डाल सगळं माझं अंगोल रेडी आहे, कपडे घालून गुड चल दादा। तू जेव्हा इकडे पूर्ण अखाद्या झोपलास तू कालपासनं, टी व्ही आणि झोप हेच केलंय मी, आणि कोणातरी आणलेलं आहे मी, मी नव्हतो तेव्हा, मी बाहेर कामासाठी गेलेलो, हा एकटा उडा उडत नव्हता दरवाजा, मला बोललं की थांब जाऊ नये राहते राज फिरू नये, असं का केलंस तू या गप्प बस फालतू। हा आयटम काय ते सांग जरा मला, इकडे बघ इकडे बघ, हा तू का प्रकार का केलास तू, दुबईचा आयटम आहे, दुबईचा आयटम आहे, राहतोस कुठे इंडियामध्ये, हा जाणार गोष्ट वेगळी आहे दुबईला परत। रॉकिंग प्रोफेशन मध्ये येतो तू गिटार, यू आर गिटार अँड डीजे, जो प्रोफेशन ते त्या हिशोबाने बरोबर आहे, चांगलं आहे। वहिनीला आणि तन्मेला आवडलं का? कमॉन व्हेरी गुड। पठ्ठ्या यांच्या दादाला एक्सेस करायचा मूड झालेला आहे, बोल लवली कर कर व्हेरी गुड व्हेरी गुड कमॉन येस येस व्हेरी गुड, दोन्ही पाय एक साथ, तो धमाल मस्ती तो चलती रहती है। 6:38 हो गए और रेडी हो जाते और निकलते घर पे भी पहुँचना भाई साहब, बहुत सारे काम भी बाकी है इधर, सब सामान। तो सुबह के 6:44 हुए हैं और अभी सब सो ही रहे हैं, तो काफ़ी स्लो ज़िंदगी है इस गांव की, मेरे ख्याल से सभी गांव की ऐसी स्लो ज़िंदगी होती रहेगी। और ये कुछ नज़ारे हैं हमारे यहाँ से खिड़की से दिख रहे, स्टेशन है वो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे स्टेशन है, अभी जस्ट ट्रेन गई वहाँ से, मानगांव स्टेशन ना है कि नहीं, बराबर है। अगर स्पेशल टिप्पणी, और ये तो भाई साहब जाएंगे दुबई, जैसे हम मुंबई जाएंगे, जैसे हम लोग बम्बई में आएंगे, शायद कर जाएंगे ही दुबई, दुबई के रहने वाले या दुबई के रहवासी है ये, कहाँ गणिया मरा रहे हो काहे को। चलो फिर मिलते हैं अभी डायरेक्ट, आपको थोड़ा सा नीचे की कुछ नज़ारे दिखाता हूँ, यहाँ पे जो फेमस बस स्टॉप है मानगांव का वो दिखाता हूँ, और ब्रेकफास्ट तो रास्ते में करेंगे, चाह पिए थे मतलब खाली ग्रहण चाह पिए थे कि रास्ते में चाह पिए थे, बाहर बाहर ढाबे बाहर ढाबे पे हम लोग चाय थोड़ा नाश्ता भी कर लेंगे, देखते निकलते हैं तो 7:15 तक निकलते हैं। जब टूरिंग पे निकले तो होटल की मज़ा नहीं लेनी चाहिए, ढाबे की मजा लेना चाहिए, सही बात है, ढाबे का अलग ही मजा है। ऑल सेट, हम दोनों रेडी है, कमिंग मुंबई, बैक टू फैमिली। अरे चल रे बाबा, कुछ बोरगी नहीं येणार बघा, चल रे बस सुसु लास्ट लास्ट।